अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बैरियर टन कराची के दो सेक्टर्स को, एक तो प्रिसेंट 61, 62, 63 और दूसरा बैरियर ग्रीन्स। ये दोनों ही लो कॉस्ट सेक्टर्स हैं और यहाँ पे अगर किसी कस्टमर ने घर बनाना है और कम पैसे हैं तो उनके लिए बैरियर की जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट या सबसे कम बाइंग के लिए कुछ जगह बनती है वो बैरियर ग्रीन्स और प्रिसेंट 61, 62, 63 के अलावा कोई और जगह ऐसी है नहीं जहाँ पे आप जो है वो 2.5 मिलियन या 2 मिलियन से लेके 3 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली यही जगह हैं। अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन्वेस्ट करते हैं आप यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट के भी चांसेस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑन ग्राउंड फाइल्स ये नहीं है और ये सिर्फ फाइल्स हैं और क्योंकि जब तक प्लॉट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते तब तक हम उसके ऊपर कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो उस तरह से नहीं आ पाता। बैरियर टन कराची में आप लोग जानते हैं कि ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को देखकर लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट जो है वो 2018 में आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस लगा उसके बाद जो डिसीजन आया और वहाँ पे बहुत सा एरिया जो आउट ऑफ बाउंड्री चला गया और फिर वहाँ पे लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल सके, तो इस वजह से लोग ऑफ ग्राउंड फाइल्स के हवाले से लोगों की कुछ रिजर्वेशन होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करना सेफ भी नहीं होता, उसमें रिस्क का एक फैक्टर होता है। लेकिन क्योंकि 61 और 62 या ग्रीन्स की हम बात करते हैं तो 61 को तो बैरिया ने मार्क कर दिया हुआ है, बैरिया ने बता दिया हुआ है कि भाई ये इसकी जगह है अलफजर एवेन्यू के साथ बैरिया ग्रीन से थोड़ा सा पहले। 62 और 63 के हवाले से अभी बैरिया की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है जिसके मुताबिक हम इसको कह सकेंगे इसकी जगह कौन सी बनती है, सिर्फ हम देखते हैं तो वो मैप के ऊपर जो है उसको एलोकेट किया हुआ है कि जिना एवेन्यू के ऊपर है। कुछ खबरें या र्यूमर्स हैं कि उसमें अथेंटिसिटी वाली बात नहीं है कि वो जिना एवेन्यू के ऊपर आगे जाके 41 से जहाँ से राइट हो रही है जिना एवेन्यू से आगे जाके शायद बैरियर दे, लेकिन इसमें कोई ऐसी अथेंटिक बात नहीं है जिसकी बेस पे हम आपको कोई कन्फर्म न्यूज़ दे सकें, सिर्फ र्यूमर की हद तक है ये। बाकी जहाँ तक बात है बैरियर ग्रीन्स की, तो बैरियर ग्रीन के हवाले से आप लोग जानते हैं कि बैरियर ग्रीन्स की मुख्तलिफ डील्स आई और ओल्ड डील्स जो है उस पर तकरीबन 6 लाख 7 लाख ऑन चला और अभी भी इतना चल रहा है, 10-10 लाख ऑन चला गया। तो बैरिया ने जो है वो न्यू डील्स दी वो 25 लाख के हिसाब से, जिसमें 12.5 लाख रुपये आपको अभी पे करना था और 12.5 लाख में उन्होंने 6 माह का टाइम दिया था। लेकिन मार्केट जब रिवर्स हुई तो बैरिया ने फिर अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज की और उन्होंने फिर जो आपका बैलेंस 12.5 लाख रुपया है वो टाइम बार 2 साल के ऊपर ले गए। ये चीज़ जो है वो एक हौसला अफजा बनेगी आगे जाके आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त तो ओवरऑल मार्केट जो है वो डेड हुई हुई है, स्लो हुई हुई है, लेकिन जब मार्केट में रनिंग आएगी तो आप लोग देखेंगे कि ग्रीन्स का रेट काफ़ी हद तक ग्रो कर जाएगा और इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो आने वाले वक्त में इन्वेस्ट भी करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप देख रहे हैं कि बैरियर के अंदर शिफ्ट होना है तो आपके पास बैरियर ग्रीन्स के अलावा फिर कोई और जगह बचती भी नहीं है। इसके लिए अभी आप बाइंग करें, बाइंग के लिए बेहतरीन टाइम है बैरियर ग्रीन्स के अंदर, और आपने बाय करना है तो आपने सिर्फ वही स्ट्रीट्स को बाय करना है जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, ऑन ग्राउंड रोड बन चुका हुआ है या एटलीस्ट वहाँ पे डस्ट रोड्स बन चुकी हैं या सेवर की लाइनें मैंने डाली हुई हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी एरिया जो है ग्रीन्स का है उसमें बहुत सी जगह भी डेवलपमेंट में नहीं है, तो आपने वहाँ पर आपको भले सस्ता मिले लेकिन आपने वहाँ पे कोशिश करनी है कि बाइंग नहीं की जाए। बाकी यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन है जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आपकी आपने नॉर्मली देखा है कि जो छोटी फैमिलीज होती हैं वहाँ पे फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, जो जिनकी बाइंग जो है वो कम होती है, फैमिली मेंबर्स ज़्यादा को एडजस्ट करना उनके लिए मसला होता है, तो अभी आप इस पर ग्राउंड प्लस 2 अगर 3 मंजिला आवाज बनाते हैं तो आपकी फैमिली बड़े आराम से वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। 61-62 के अंदर भी आपको इसी तरह से लिवरेज है, लेकिन 61-62-63 की हम जब बात करें तो कठी बात होती है, 61 को सिर्फ मार्क किया गया है, डिमार्केशन दी गई है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ग्रीन से पहले। 62-63 के हवाले से अभी कोई फिजिकली कोई जगह हमें नज़र नहीं आती, ना बैरियर ने कहीं पे साइन लगाया या कोई इस हवाले से कोई बैरियर की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है वाज है जिससे हम कह सकें कि भाई ये उसके लिए जगह एलोकेट की हुई है। तो प्राइस की हम बात करें तो इस वक्त जो है वो 63 तकरीबन 20 लाख के आसपास चल रहा है और 2 मिलियन के अंदर आप एक रिस्क तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है तो बैरियर की वो लाइबिलिटी है और बैरियर को उसको बनाए बगैर गुजारा नहीं है।
बैरियर उसको आपको बना कर देगा, लेकिन टाइम बार का हम कुछ नहीं कह सकते कि 6 माह साल या इससे कुछ ज़्यादा 2 साल लग जाए। लेकिन अगर 2 मिलियन या 2.5 मिलियन की अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप बैरियर के अंदर प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी बैरियटन कराची के हवाले से आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस मुस्लिम को इजाजत दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।